तो साड़ी मम्मी के लिए है ना, अब थोड़ा दोनों को ब्लाउज सिला लेगी तो फिर अच्छा लगेगा, घर आना जाना भी हो जाएगा। और इधर ये मैं रफ यूज के लिए ला दिया कि घर में मम्मी पहनेगी। हाँ। और ये वाला थोड़ा आने जाना पहनेगी, पूजा में भी पहनेगी तो मम्मी पे अच्छा लगेगा। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों अभी सुबह सुबह की टाइम है, मैं क्लास लेकर के आ गया घर, तो सुबह नहीं बोलेंगे, करीब 11 बज रहा है, मैं नाश्ता नहीं किया हूँ। मम्मी नाश्ता खाना सब बना लिया, नहा भी ली क्या? गुड मॉर्निंग, नहा लिया, खाना हो रहा है और वही बर्तन भी साफ कर दे रही हूँ मम्मी। साफ कर है ना, और मेरा किचन इतना अच्छा खुशबू दे रहा है ना, मैं मतलब क्या बताएं। मम्मी पूरा साफ सुथरा करके रखी है पूरा किचन, देखिए चारों साइड में तो चमका के रखी है। इधर मैं चिपकाया था कल और आज क्या हो गया मम्मी, यहाँ वाला गिर गया, आई तो यहीं पे रह गया। फेविक्विक से चिपकाना होगा लग रहा, फेविक्विक लाते हैं उसको चिपका देंगे, नहीं तो खराब दिखेगा इस तरह, है ना। हाँ है, यही है। तो मुझे लग गया है भूख, मुझे मिलेगा भी नाश्ता, मम्मी बना के रखी है। इधर आकुर बनाई है, वाह वाह, दे रहा मम्मी नाश्ता। मम्मी देखो आज कितना चीज बनाई है नाश्ता में, वाह। थोड़ा सा तो बस 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 बस, और भी कुछ है? कुछ है, क्या है? दही, दही, दही हम नहीं खाएंगे, तुम खा लो। ना ना, तुम खा लो, तुम खा लो, तुम खा लो। हम तो रात में दूध पिए थे, तुम तो पिए भी नहीं थे। रात में दूध नहीं पिए? कैसे नहीं पिए हम? ऐसे बोलती है नहीं पिए हैं। फिलहाल मुझे मिल गया नाश्ता और अभी मैं फिलहाल नाश्ता कर लेता हूँ। बढ़िया बढ़िया दोस्तों, मेरा तो नाश्ता हो गया और मम्मी देखो दो दो साड़ी निकाल कर रखी है, ये देखो, वाह। मम्मी क्या करेगी इसको, अभी से तुम बहू लाने का तैयारी कर रही है क्या? हाँ। थोड़ा ये हटाइए ना जी, इसको हटाइए ना, थोड़ा इसको अच्छे से हटाइए ना। हाँ अब बताओ, अभी से लाने का तैयारी हो रहा है बहू की? अभी से आने की तैयारी हो रहा है, तो वही पूछ रहे हैं कौन वाला अच्छी अच्छा है, कौन सी है। माँ ये वाला अच्छा लग रहा है, ये ज्यादा अच्छा है, ये भी नॉर्मल पहन। हाँ ये घर में पहनना, और ये वाला तुम कहीं पे भी पहन के आना जाना करोगे? भी कहीं पहने नहीं है माँ, पूजा में ये पहनोगे ना बहुत अच्छा लगेगा। दोनों दो सीने, हाँ दे दो ये दोनों, दे दो सीने, दोनों दे दे। हाँ लंबा बाजू सिलाना, ठीक, लंबा माने यहाँ तक आएगा। हाँ, हाँ। वैसा बाजू सिलाना अच्छा लगेगा, दोनों ही अच्छा लग रहा हमको, अच्छा लग रहा, लेकिन ये ज्यादा अच्छा लगेगा समझ लो ये। हाँ, हाँ। तुम जो चाहेगी वो कर सकती है, लेकिन ये मेरे को बहुत अच्छा लगा मम्मी। हाँ बस इसी तरह खुश रहो, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, और क्या। दो तो लान दिए हैं, आप कौन आप पसंद है? हाँ यही दो आप ला दिए, दो को आप दोनों रख लेंगे बस, और क्या। दोनों ला दिए हैं, छोटका बैठ में दो लाइन दल कर दो रख लेंगे बस, बढ़िया है, इसी तरह चाहिए और क्या, है ना, है ना। छोटा मोटा गिफ्ट है, छोटा मोटा गिफ्ट दिए हैं, तो चलो ये गिफ्ट के छोटा मोटा के अब की करल जाए। ब्लाउज सिलाना होगा, ब्लाउज सिलाना होगा, ये वाला था ना। हाँ अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा, इसमें अस्तर देगा ना। हाँ हाँ अच्छा लगेगा, सोनी तरफ के दे देंगे, अच्छा लगेगा, मस्त है ये, मस्त है, है ना। तो साड़ी मम्मी के लिए है ना, अब थोड़ा दोनों को ब्लाउज सिला लेगी तो फिर अच्छा लगेगा, घर आना जाना भी हो जाएगा। और इधर ये मैं रफ यूज के लिए ला दिया कि घर में मम्मी पहनेगी। हाँ। और ये वाला थोड़ा आने जाना जाएंगे आएंगे तो पहनेंगे, पूजा में भी पहनेगी तो मम्मी पे अच्छा लगेगा। हाँ, है ना, चलो अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे भी अच्छा लग रहा है। और इसी बीच में पापा भी आ गए, उससे पहले मम्मी दूध भी लेकर गई, और ये देखो मम्मी कटर कटर चबा रही है, क्या खा रही है? बिस्किट और चाय, बिस्किट और चाय। पापा दी, पापा दी तो हम खा रहे हैं, देखो बैठ के पापा भी खा रहे हैं। देर बेर उनके पिंजरे में नहीं जाने देर बेर भूख टिफिन कहीं नहीं थी। हाँ टिफिनियाँ नहीं लेने खा रहे हैं, सर्दी आ जाएगा इसीलिए, लेकिन आज लेट से आए, नहीं अभी 5-6 बजे, बहुत लेट से हैं आज, 6 बजे, वही ना बात है। बिना खेले चाय, लाल चाय, बिना खेले पीले भूख ले, तो चाय बिस्कुट दे दी पेट भरने के लिए। नहीं खाना बनाने ले, पढ़ ले भाई खाना। अरे खाना से याद आया तो हम भी नहीं खाए, सुबह में नाश्ता करने के बाद जो सोया था।
हम भी नहीं खाए, सोए रहेंगे। और पापा आएगा, आएगा 2-3 बजे, 2:30 बजे, 3-4 बजे खा लेंगे साथ में। तो हम भी यही सोच रहे थे जब आएंगे तो सभी को साथ में खाएंगे, हम जो सोए सोए रह गए। मम्मी कितना बार उठाई है लेकिन मेरा नींद नहीं खुली। तोरा उठे लियो, आर्यन उठेगा तो हम भी खा लेंगे। हाँ। ना उठे तो वो छोड़ देंगे। जा एक दूसरे पे सब डिपेंड थे, पापा भी नहीं खाए, हम भी नहीं खाए, मम्मी भी नहीं खाए। हाँ बच लिए, बहुत खाना बचा हुआ है, हमको लगा रात का बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। हाँ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, दाल भी बचा हुआ है, सब्जी वगैरह सब कुछ बचा हुआ है। हाँ नहीं होगा चावल, नहीं होगा तो फिर उसका व्यवस्था किया जाएगा। इतना दूध है मम्मी, दूध में देखिए कितना मोटा ये पड़ा है, क्या बोलते हैं इसको, मलाई नहीं मोटा। हाथ लगा के देखिए, मोटा नहीं, उठा के देखे, हाथ धोए अभी, खा जाए, लो तुम लो, लो तुम लो, तुम लो, गरम गरम है मम्मी, गिरा गिरा गिरा, गरम है गरम है। बढ़िया है, मजा आ गया, मजा आ गया। और मम्मी इधर बात कर रही है बड़ी वाली दीदी से। हाँ बड़ी वाली दीदी से बात कर रही है, रोजे बात कर रही है। हर दिन बात करती है, रोज बात कर रही है, जरूरी भी है बात करना, जरूरी बात ना कर रोज बात कर रही है। बोलो तो हेलो, हेलो हेलो, ना बोली बच्चू। मम्मी अपना लैंग्वेज में बात कर रही है, जब भी फ्री यहाँ बैठती है ना तो कभी दीदी कभी भैया कभी भाभी सबसे लगे रहती है। अभी चाचा को फोन करी थी, ये देखो दोबारा यहाँ करो, नहीं उठाए तो दोबारा उठा लेंगे, वो एकदम लगी रहती है। दिन भर कुछ दिनों के बाद यहाँ पे टीवी लग जाएगा ना तो मम्मी को थोड़ा अच्छा भी लगेगा, घर में देख देख रहेगी, लगेगा तकने बेटा, लग जाएगा, लग जाएगा, लग जाएगा, बहुत जल्द लग जाएगा। मोबाइल बड़ा है ना इसलिए वीडियो कॉल करके लगा ली और बात कर रही है, और अजवार होते हैं तब अजवार जब नहीं रहिए काम में बिजी रहिए तो कभी नहीं मोबाइल अच्छी, कभी नहीं मोबाइल अच्छी जाए काम में बिजी रहिए, समझ रहे। मम्मी को मतलब नहीं उठाया। अभी आप लोगों के घर साइड में दिवाली का साफ सफाई नहीं हुआ होगा लेकिन हमारे घर में साफ सफाई हो गया, समझ रहे, इतना फास्ट रहती है कोई भी चीज में, बाहर में है खिड़की उड़की पोछे घर में, बाकी सब जगह साफ हो गया, अंदर पोछा गया, बाहर में पोछे थे, बताओ काम फिर से मेरा टेंशन खत्म। और काम रोज हमारा टेंशन लग रही है, कल धूप था और बुरी कपड़ा धोके सुखा दिए सब, आज नहीं धूप है, बताओ। हाँ हमारा काम खाना पाछे काम पहले। तो दोस्तों देखिए मम्मी मतलब फ्री रहती है ना तो सबसे वीडियो कॉल में करते रहती है यहाँ वहाँ, एक्चुअली में मन नहीं लगता उनको ना, इसीलिए मैं मम्मी के साथ में बैठा रहता हूँ एनी टाइम, बाकी जब नहीं रहते तो उनको बोर तो लगता होगा, इसलिए मम्मी के लिए सोच रहे एक टीवी खरीद ले ताकि वो टीवी देख के थोड़ा टाइम पार करे, आजकल तो टीवी में कोई कुछ देखते ही नहीं, सभी तो फोन में ही लगे रहते हैं। जा रहे फिलहाल अभी टीवी देखने के लिए, मेरे साथ में मेरा दोस्त रितेश, तो हम लोग अभी जा रहे हैं टीवी देखने के लिए, चलो देखते हैं कौन सा पसंद आएगा। अभी फिलहाल माल नहीं है, माल एक ही को ये बिक गया है, बढ़िया चेक कर लीजिएगा, माल चेक कर लीजिएगा, माल है कि बिक गया है, इसका हमको बताइए ये वाला का। टीवी देखने आए थे, बाकी एक पसंद आया है, बाकी देखते हैं कौन सा लेना है, एक जगह और पता करेंगे, दोनों में जो अच्छा लगेगा वो ले लेंगे। दोस्तों टीवी तो देख लिया, उधर से आए हैं एक जगह, क्योंकि रितेश है ना बहुत दिनों के बाद मेरे से मिला है और हम लोग बचपन का फ्रेंड है, तो आज बहुत दिनों के बाद डिसाइड किए कि चलो आज डिनर हम लोग बाहर करते हैं। मेरे घर के पास में एक स्टॉल है जहाँ पे चिकन चिल्ली और पराठा अच्छा बनाते हैं, तो यहीं पे आए हम दोनों खाने के लिए बहुत दिनों के बाद। पराठा बनाने का तरीका चेंज कर दिया भैया, इसमें ज़्यादा ऑयली नहीं रहेगा ना, इसमें लच्छा पराठा है जी, और इसमें क्या डालेंगे, तेल, बेल के रख रहे हैं, उसके ऊपर से तेल डालेंगे ना, यही बात है, बाकी उधर चिल्ली बन रहा है।
ने खाएगा कि नहीं, बाकी इसको ले आए आज बहुत दिनों के बाद। खाओ खाओ, ये मेरा वाला है, स्पेशल डिश आ गया है और अभी चलेगा पराठा के साथ। ये देखो कितना मस्त लग रहा है चिल्ली और साथ में पराठा, इसको भी दबा के मारो, बढ़िया। दोस्तों अभी उधर से मैं घर पहुंचा हूं और जैसे कि देखे मम्मी अभी खाना नहीं बनाई है ना, तो खेली हम तो खा लिए मम्मी बाहर, तो मस्त खाए अभी। और मम्मी खाना इसलिए नहीं बनाई क्योंकि दिन का खाना बहुत सारा बचा हुआ था, इसलिए मम्मी नहीं बनाई। किधर है दूध ये? ओह माय गॉड, मान लिख ले क्या दिन से है, दोनों काट देंगे। बहुत दिन दूध एब्सेंट हो गया था, तो कैलेंडर में हम लोग नोट करके रखते हैं कि इस दिन एब्सेंट हो गया, क्योंकि वो जो दूध वाले भैया वो भी नोट नहीं करते हैं, तो दोनों का हिसाब इधर उधर हो जाएगा। और उनका उनका इसी से मतलब समझिए उनका ये बिजनेस है, और हम लोग दूध लाएंगे और उसका सही से उनको पैसा नहीं मिलेगा तो ये गलत बात है, तो देखते हैं अभी। दो मिनट ठीक कर देते फटाफट। दोस्तों अभी सारा काम हो गया, बस मुझे दवा खाना है। और इधर से देखो मम्मी पानी लेके आई है, पानी दूध लेके आई है मम्मी, लेकिन हम दूध नहीं पिएंगे मम्मी, नहीं पिएंगे क्योंकि हम कुछ खा लिए, खा लिया नहीं मम्मी, हम नहीं पी सकते आज, ऐसा कुछ खा लिया है कि हम दूध पी ही नहीं सकते, समझ रहे हो एक तरह से, क्या करे बोलो, कोई दिक्कत ना है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत ना है, क्या जो करे दो से। अच्छा अच्छा, आज सुन रहा हूँ पापा का ऑफिस का जो ड्रेस है अरेंज तो नहीं किया पापा ना, तो दे दो हम कर देते हैं अभी रात में, ला देते हैं, ला दो यहाँ पे कर देंगे, तब तक हम दवा खा ले रहे, ठीक है, हाँ दवा खा ले रहे, तब तक पापा कहीं नहीं पियेंगे दूध। अच्छा अच्छा, ये दवा दवा माथा में हो रहा था दर्द, तो मैं अभी लगा लिया ऑयल, क्योंकि ऑयल लगाने से माथा काफ़ी रिलैक्स मिलता है। और मम्मी भी इतना सारा कपड़ा ला के दी है, पापा का वर्दी है ये और एक गो ऐसे नॉर्मल कपड़ा है, मम्मी बोली कि आयरन कर देना सुबह में पापा ऑफिस जाएंगे, तो आयरन भी ला के दी है, यहाँ पे लगा के ये बैठे बैठे कर लेंगे और पापा भी खुश हो जाएंगे। एक्चुअली मैं ये सब नहीं जल्दी कर पाता हूँ ना, जब टाइम मिलता है तब मैं करता हूँ, अभी रात के 11 बज रहा है और अभी करने के लिए बैठा हूँ, क्योंकि मेरा खुद का इतना काम होता है कि मैं टाइम मतलब नहीं दे पाता हूँ ये सब में, बाकी घर का जितना काम होता है मैं करता हूँ, और पापा को जब टाइम मिलता है तो पापा ही बैठे बैठे घर में ये कर लेते हैं, बाहर से दुकान में भी अगर करवा के ला देंगे ना तो पापा को पसंद नहीं आता है, मैं कर देता हूँ या पापा करते तो ही उनको पसंद आता है, बट सबका अपना अपना पसंद है, खैर कोई बात नहीं। तो दोस्तों आज का ब्लॉग मैं करूंगा यहीं पे एंड, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जितना हो सकता है उतना कमेंट में प्यार दीजिएगा, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम भारत माता की जय।